आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज के प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। शुक्रवार को 3 चर्चित मामलों में आया अदालत का फैसला। रांची की निर्भया को मिला इंसाफ। कातिल राहुल दोषी करार, सजा पर कल सुनवाई। पांकी से भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण मेहता समेत सभी 6 आरोपी सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड से बरी। डाल्टनगंज के भाजपा विधायक आलोक चौरसिया के खिलाफ दायर याचिका खारिज। दूसरी खबर, झारखंड विधानसभा के 5वें और अंतिम चरण का मतदान संपन्न। संथाल की 16 सीटों पर 70% से अधिक मतदान। तीसरी खबर, चुनाव संपन्न होने के बाद सभी दलों ने किया जीत का दावा। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। शुक्रवार को रांची के 3 अदालतों ने 3 अलग अलग बहुचर्चित मामलों में फैसला सुनाया। रांची के बूटी मोड़ में बीटेक छात्रा हत्याकांड मामले में आरोपी राहुल राज को जहां अदालत ने दोषी करार दिया, वहीं बहुचर्चित सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड में पांकी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण प्रसाद मेहता समेत सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया। तीसरा फैसला डाल्टनगंज के भाजपा विधायक आलोक चौरसिया के खिलाफ दायर याचिका पर आया, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। रांची के निर्भया कांड के नाम से जाने वाले बीटेक छात्रा हत्याकांड के आरोपी राहुल राज उर्फ अंकित राज को सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज अनिल कुमार मिश्रा ने दोषी करार दिया है। उसकी सजा के बिंदुओं पर शनिवार को सुनवाई होगी। दोषी को इसी साल जून में सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया था। दोषी ने लखनऊ में भी दुष्कर्म किया था और गिरफ्तारी के बाद वहां के जेल में बंद था। सीबीआई की जांच में राहुल का मोबाइल नंबर डंप कॉल में ट्रेस हुआ, जिसके बाद ही सीबीआई उस तक पहुंच सकी। यह घटना 15 दिसंबर 2016 को देर रात घटी थी। उसी दिन उक्त छात्रा के पिता उसे बड़काकाना से लेकर रांची आए थे और रात में ही छात्रा की हत्या हो गई। दूसरा मामला, रांची के ऑक्सफोर्ड स्कूल की वार्डन सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड में पांकी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण प्रसाद मेहता समेत सभी 6 आरोपियों को न्यायुक्त विजय श्रीवास्तव ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अगर शशि भूषण चुनाव जीत जाते हैं तो उनके विधायक बनने में कोई बाधा नहीं आएगी। सुचित्रा मिश्रा की हत्या 11 मई 2012 को हुई। उनका शव HEC इलाके में सड़क किनारे फेंक दिया गया था। सुचित्रा के परिजनों ने इस मामले में मेहता के अलावा राजनाथ सिंह, प्रदीप कुमार पासवान, धर्मेंद्र ठाकुर, अनूप सिंह और सत्य प्रकाश के खिलाफ केस दर्ज कराया था। तीसरा मामला, झारखंड हाईकोर्ट से डाल्टनगंज के भाजपा विधायक आलोक चौरसिया को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चौरसिया की जन्म तिथि को चुनौती दी गई थी। चौरसिया इस चुनाव में भी भाजपा के प्रत्याशी हैं। कुछ दिन पहले ही पलामू में चुनाव के क्रम में आलोक चौरसिया के गांव में मतदान केंद्र पर KN त्रिपाठी ने रिवॉल्वर लहराया था, तब आयोग ने उन पर कड़ी कार्रवाई की थी। त्रिपाठी ने भाजपा उम्मीदवार आलोक चौरसिया पर जानलेवा हमले का भी आरोप लगाया था। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। विधानसभा के 5वें चरण में संथाल परगना की 16 सीटों पर मतदान शाम 5 बजे संपन्न हो गया। चुनाव के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। इन 16 सीटों पर 70% से अधिक मतदान हुआ है। इस चरण के चुनाव में झामुमो नेता हेमंत सोरेन, मंत्री लुईस मरांडी तथा रणधीर सिंह, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन तथा पूर्व स्पीकर आलमगीर आलम जैसे दिग्गज मैदान में थे। आज के मतदान में कुल 236 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में लॉक हो गई है। सभी 5 चरणों की मतगणना 23 दिसंबर को होगी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और विपक्षी महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन ने इस बार सत्ता परिवर्तन की बात करते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है। इधर भाजपा की ओर से 65+ के लक्ष्य को हासिल करने की बात की जा रही है। आजसू भी इस बार ताल ठोक रही है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार के आक्रोश के खिलाफ वोट दिया है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।